प्रिय साथियों नमस्कार मैं डॉक्टर सत्यवीर सिंह गणित शिक्षा से संबंधित हूँ आज मैं आपसे गणित की प्रकृति के बारे में बातचीत करूँगा जैसा कि आप जानते हैं प्राथमिक स्तर पर गणित एक अनिवार्य विषय के रूप में जाना जाता है प्रत्येक व्यक्ति का अपना स्वभाव होता है जिसके कारण वह अन्य व्यक्तियों से भिन्न होता है ठीक इसी प्रकार हर विषय की प्रकृति अलग अलग होती है जिसके अनुसार उस विषय को देखा और समझा जाता है गणित की प्रकृति में अमूर्तता तार्किकता विशिष्टता क्रमबद्धता सत्यता प्रतीक आदि आते हैं और हम इन सभी को गणितीय अवधारणाओं के स्वरूप के रूप में समझते हैं तथा इन सभी के माध्यम से हम गणितीय तरीके से सोचना प्रारंभ करते हैं शुरुआत में गणित को ठोस वस्तुओं चित्रों इत्यादि द्वारा समझाया जाता है और धीरे धीरे अमूर्तता की ओर अग्रसर हुआ जाता है गणित की प्रकृति में पहली अगर बातचीत करें तो गणित में तार्किकता है अर्थात गणित क्रमबद्ध रूप से तथा तार्किकता से कई चरणों के माध्यम से समस्या का समाधान करता है गणितीय कथनों की सत्यता स्वीकृत नियमों परिभाषाओं और अवधारणाओं का उपयोग करके क्रमिक तार्किक प्रमाणों के द्वारा की जाती है गणित की अवधारणाओं और सिद्धांतों को समझने के लिए गणित की प्रकृति को जानना समझना बहुत आवश्यक है गणित की प्रकृति जानने के लिए आपको गणित के महत्वपूर्ण गुणों को समझना होगा जिसके कारण गणित को सभी क्षेत्रों में विशेष स्थान प्राप्त है गणित की प्रकृति गणित शिक्षण और अधिगम विधियों को बहुत ज़्यादा प्रभावित करती है यदि हम गणित की तार्किकता को ही लें तो बहुत सा सामान्यकरण करने में तर्क हमारी सहायता करते हैं गणितीय कथन असंदिग्ध होते हैं अर्थात गणितीय कथनों में संदेह का कोई स्थान नहीं होता है किसी ऐसी गणितीय संकलनों पर विचार कीजिए जिससे आप परिचित हैं जैसे गोल गोल की परिभाषा स्पष्ट और सुनिश्चित होती है यदि कोई वस्तु दी गई हो और आप यह निश्चित रूप से बता सकते हो कि वह गोल है या नहीं तब यह कहा जाता है कि आप में गोल की अवधारणा स्पष्ट है इसी प्रकार गणित में किसी भी संकल्पना की परिभाषा या कोई गणितीय कथन बिल्कुल असंदिग्ध होता है यानी संदेह की कोई गुंजाइश नहीं रहती है आइए कुछ कथनों पर विचार करते हैं पहला कथन मोरनी सितंबर के आसपास अंडे देती है दूसरा कथन पानी 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर उबलता है तीसरा कथन 15 5 से पूर्णतः विभाजित होता है चौथा कथन यदि आप दो विषम संख्याओं को जोड़ें तो परिणाम हमेशा एक होता है आइए एक एक करके इन कथनों की सत्यता की जांच करते हैं यदि हम देखना चाहते हैं कि ये कथन सत्य हैं या नहीं तो हम उनकी जांच कैसे करेंगे क्या एक ही तरीका सब कथनों की जांच करने के एक काम में आएगा पहले कथन की जांच केवल अनुभवजन्य तरीके से की जा सकती है अर्थात हमें मोरनियों को देखना होगा और पता लगाना होगा कि वे कब अंडे देती हैं यदि हम बहुत सी मोरनियों को देखें और यह पाएं कि उनमें से लगभग सब सितंबर के आसपास अंडे देती हैं तो हम कह सकते हैं कि मोरनिया सितंबर के आसपास अंडे देती हैं अगर एक या दो उदाहरण ऐसे भी हों जो इस नियम का पालन नहीं करते हों, तब भी अनुभव जन नियम मान्य रहेगा दूसरा कथन दूसरे कथन की सत्यता हेतु आप खुद ही प्रयोग करके यह जांच सकते हैं कि पानी 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर उबलता है दूसरा कथन केवल कुछ विशिष्ट परिस्थितियों में सत्य है अधिक दबाव में पानी को गर्म करने पर इसे 100 डिग्री सेंटीग्रेड से बहुत अधिक तापमान पर उबालकर दिखाया जा सकता है तीसरा कथन एक गणितीय कथन है इसे हम केवल अवलोकन के जरिए सिद्ध कर सकते हैं आप पंद्रह वस्तुओं के एक समूह के बहुत से उदाहरण ले सकते हैं और उन्हें पांच बराबर बराबर हिस्सों में बांट सकते हैं लेकिन हमें पंद्रह वस्तुओं के सभी समूहों के लिए इसे सिद्ध करने की आवश्यकता होगी अगर हम पंद्रह पांच भाग और शेषफल को समझते हैं तो हम इसे गणितीय तर्क से सिद्ध कर सकते हैं गणित में सत्यता केवल संगति और तर्क से जुड़ी है किसी भी गणितीय कथन की उत्पत्ति तर्कों की श्रेणी से बनती है यह तर्क कुछ स्वीकृत नियमों कुछ परिभाषाओं और मान्यताओं के अनुसार लागू किए जाते हैं चौथा कथन कथन चार में हम केवल दो तो विषम संख्याओं को जोड़ने की बात कर रहे हैं आप विषम संख्याओं के सभी युग्मों की जांच कैसे करेंगे जब तक विषम संख्याओं के सभी संभव जोड़ों की जांच नहीं कर ली जाती तब तक आपकी परिकल्पना को गणितीय नियम के रूप में स्वीकार नहीं किया जाएगा जब तक औपचारिक रूप से विषम संख्याओं के व्यापक युगम के लिए सिद्ध नहीं किया जाता परिणाम गणितीय रूप से स्वीकार नहीं होगा आइए सामान्यकरण के रूप में चौथे कथन को देखते हैं माना n कोई संख्या है तो परिभाषा के अनुसार कोई एक सम संख्या बराबर दो एन अब इसी सम संख्या में यदि एक जोड़ दिया जाए तो विषम संख्या होगी दो एन जमा एक माना दो विभिन्न विषम संख्याएं टू एन वन प्लस वन और टू एन टू प्लस वन हैं जहां एन वन और एन टू पूर्ण संख्याएं हैं अब इन दोनों विषम संख्याओं का योग करें तब हमें मिलेगा टू एन प्लस वन टू 2n प्लस 1 2n एन प्लस वन टू एन प्लस 2 प्लस इनमें से यदि दो कॉमन लें तो संख्या बनेगी 2 ब्रैकेट में n1 वन प्लस एन टू प्लस वन यदि एन वन प्लस एन टू प्लस वन का मान m रखें तो नई संख्या बनती है 2m. एम यहां टू एक सम संख्या है जो दो से भाज्य है क्योंकि दो एम में दो एक गुणांक है इस प्रकार हम कह सकते हैं दो विषम संख्याओं का योग एक सम संख्या होती है इस प्रमाण को सिद्ध करने में हमने कई परिभाषाओं जैसे विषम संख्या की परिभाषा सम संख्या की परिभाषा पूर्ण संख्या की परिभाषा तथा पहले से प्राप्त परिणामों जैसे पूर्ण संख्याओं का योग हमेशा एक पूर्ण संख्या होता है वह अन्य तर्कों का इस्तेमाल किया है यहां कोई अवलोकन नहीं किया गया है यदि कोई इन परिभाषाओं और पहले से प्राप्त परिणामों को नहीं जानता हो तो वह इस उपपत्ति को समझ ही नहीं पाएगा कथन दो विषम संख्याओं का योगफल सदैव एक सम संख्या होता है इस कथन को केवल अनुभूत अवलोकन के आधार पर प्रमाणित नहीं किया जा सकता है अनेक उदाहरणों और उनका परीक्षण अथवा प्रमाणीकरण करके ही यह कह सकते हैं कि यह कथन सत्य है या असत्य है इस प्रकार के तर्क को जिसमें ज्ञात परिणामों परिभाषाओं और निष्कर्ष के नियमों का प्रयोग किसी चीज को सिद्ध करने के लिए किया जाता है निगमनिक तर्क कहलाता है इस प्रकार का तर्क किसी ऐसे व्यापक कथन या परिभाषा से शुरू होता है जिसे बिना किसी संदेह के स्वीकार किया जाता है और इससे उपत्ति के अगले चरण को निगमन किया जाता है इसी प्रकार जब हम और संख्याओं की जांच करके यह पैटर्न निकालते हैं कि किन्हीं दो प्राकृतिक संख्याओं का योग सदैव उन दोनों प्राकृतिक संख्याओं से बड़ा ही होगा अर्थात तीन जमा दो बराबर पाँच जो तीन और दो दोनों से बड़ा है गणित में प्रयोग किए जाने वाले इस तरह के तर्क को आगमनिक तर्क कहते हैं इस प्रकार के तर्क से हम नए परिणाम निकालते हैं तथा निष्कर्षों को सिद्ध करने में ऐसे तर्क का प्रयोग करते हैं आगमनिक तर्क के आधार पर नए तथ्यों की उपत्ति की जाती है गणित में जब हम यह दावा करते हैं कि एक कथन व्यापक तौर पर सही है तो उसका मतलब यह है कि वह है बिना किसी अपवाद के सही है उन सभी स्थितियों के लिए जिनमें कथन की शर्तें पूरी होती हैं गणित की अपनी भाषा प्रतीक तथा चिन्ह होते हैं गणित की प्रकृति का यह एक अहम हिस्सा है गणित के अपने संकेत और चिन्ह होते हैं गणित में समस्याओं और संविधानों को चिन्हों या संकेतों के माध्यम से निरूपित किया जाता है चिन्हों के उपयोग करने से गणितीय अभिव्यक्ति संक्षिप्त और स्पष्ट बन जाती है गणित के अपने प्रतीक शब्द और व्याकरण के नियम हैं प्रतीक अर्थात जैसे जमा का चिन्ह घटा का चिन्ह गुणा का चिन्ह बराबर का चिन्ह इत्यादि गणित के व्याकरण के निर्म कुछ सुसंगत पूर्वधारणाओं एवं तर्कों पर आधारित होते हैं गणितीय सोच के विकास के लिए इन तर्कों को समझना वह उपयोग करना जरूरी है और यह क्षमता आम भाषा के विकास पर निर्भर है जैसे शब्द और लेकिन इसीलिए वह या आदि समुच्चबोधक शब्दों के उपयोग की क्षमता हासिल करने के बाद ही बच्चे गणितीय तर्क के ऐसे वाक्य समझ पाएंगे प्रत्येक वर्ग एक आयत होता है लेकिन प्रत्येक आयत वर्ग नहीं होता गणित सीखने का प्रमुख लक्ष्य यह क्षमता विकसित करना होता है कि हम रोजमर्रा की समस्याओं को गणितीय सवाल के रूप में बदल सकें इन्हें तकनीकों के जरिए हल करें और फिर उन उत्तरों को वास्तविक जीवन की समस्याओं के अर्थपूर्ण हल में रूपांतरित करें इस क्षमता को उपयुक्त इबारती सवालों को हल करते हुए विकसित किया जाता है उदाहरण के तौर पर यदि रमा ने गणित की परीक्षा में 50 में से 40 अंक प्राप्त किए हैं तो इसे गणितीय रूप में हम कह सकते हैं कि रमा ने 80 प्रतिशत अंक प्राप्त किए हैं 80 प्रतिशत के उपयोग के बाद यह कहने की आवश्यकता नहीं रह जाती है कि रमा ने 50 में से 40 अंक प्राप्त किए हैं गणितीय चिन्ह प्रतिशत अपने आप में यह सब कुछ समझा देने में सक्षम होता है गणित के विचारों को चिन्हात्मक रूप में सामान्य संकेतों का उपयोग करते हुए अभिव्यक्त करना तुलनात्मक रूप से समझने और संप्रेषण करने में आसान होता है यदि आप समझते हैं पांच जमा तीन बराबर आठ यह केवल गणित का बच्चा ही लिख सकता है जो विद्यार्थी गणित समझते हैं वह इसे गणितीय कथन में परिवर्तित कर सकते हैं अर्थात पांच जमा तीन बराबर आठ गणित के प्रकृति के रूप में एक अन्य महत्वपूर्ण बात कि गणित में सटीकता होती है सटीकता का अर्थ है परिशुद्धता और सुस्पष्टता गणित सटीकता के साथ समस्या का समाधान करता है अर्थात जब एक बार किसी निष्कर्ष पर पहुंच गए तो फिर संदेह की स्थिति नहीं रहती है उदाहरण के लिए एक थैले में चार गेंदे रखी हुई हैं यदि उसमें दो गेंदे और मिला दी जाएं, तो कुल गेंदों की संख्या कितनी होगी निश्चित रूप से थैले के अंदर छह गेंद होंगी न तो वह सात होगी न आठ केवल और केवल छह गेंदे ही होंगी अन्य उदाहरण के रूप में त्रिभुज की अवधारणा ली जा सकती है त्रिभुज की परिभाषा सुस्पष्ट और सटीक है विभिन्न जावती आकृतियों को उनके विशेष और सटीक गुणों के आधार पर ही हम पहचान पाते हैं जैसे वर्ग की चारों भुजाओं की लंबाइयां बराबर होती हैं तथा प्रत्येक कोण की माप 90 डिग्री की होती है अन्य उदाहरण के रूप में घन के गुणों की सहायता से घनाकार वस्तु तथा जो घनाकार वस्तु नहीं है उनमें अंतर स्पष्ट किया जा सकता है प्रश्न पूछा जा सकता है घन के क्या विशिष्ट गुण हैं यह उसकी परिभाषा से स्पष्ट हो जाता है कोई भी व्यक्ति अपने परिवेश की वस्तुओं में से घनाकार वस्तुओं को आसानी से पहचान सकता है क्योंकि घन की अवधारणा को सटीकता और सुस्पष्टता के साथ परिभाषित किया गया है गणित की तुलना अन्य विषयों के साथ करने पर आप पाएंगे कि उन विषयों में उत्तर तथ्यों का अनुमान लगाकर या प्रत्यक्ष अनुभव के आधार पर लिखा जा सकता है इस प्रकार उत्तर लिखने में बच्चों के स्वयं के विचार अधिक प्रभावी होते हैं लेकिन गणित में व्यक्तिगत विचारों और भावनाओं के लिए कोई स्थान नहीं होता है गणित की एक अन्य विशेषता कि गणित में अमूर्तता है गणित की प्रकृति अमूर्त है क्योंकि गणितीय अवधारणाओं की कल्पना की जा सकती है तथा मूर्त रूप में इसकी व्याख्या की जा सकती है उदाहरण के रूप में संख्या की अवधारणा एक अमूर्त अवधारणा है जब हम दो कहते हैं तब हम दो शब्द का प्रयोग अमूर्त रूप में कर रहे होते हैं एक अन्य विशेषता के रूप में गणित संरचनाओं का अध्ययन है अर्थात संरचना का अर्थ है क्रमबद्धता, संगठन और विन्यास सुव्यवस्थित तंत्र या निकाय आप सोचेंगे कि क्या गणितीय अवधारणा की कोई निश्चित व्यवस्था है क्या आपने गणितीय अवधारणाओं में किसी एक विन्यास का अवलोकन किया है क्या गणित की अवधारणाएं आपस में संबंधित हैं यदि आप गणित की प्रकृति का अवलोकन करेंगे तो आप पाएंगे कि गणित निश्चित संरचनाओं का अध्ययन है उदाहरण के रूप में प्राथमिक स्तर के दौरान बच्चा प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या पूर्णांक भिन्नात्मक संख्याओं परिमेय संख्याओं और वास्तविक संख्याओं के बारे में सीखता है संख्याओं के यह समूह बच्चे को एक संरचना के रूप में मिलते हैं जैसे यदि प्राकृतिक संख्याएं नहीं हैं, तो पूर्ण संख्याओं को समझना मुश्किल है यदि बच्चे प्राकृतिक संख्याएं नहीं जानेंगे तो पूर्ण संख्याएं कैसे समझ पाएंगे इसी प्रकार जब तक संख्याओं की पूर्ण समझ नहीं बना पाएंगे तो परिमेय संख्याओं को समझना उनके लिए मुश्किल होगा इसीलिए यह आवश्यक है कि गणित की प्रत्येक अमूर्त अवधारणा को समझने के लिए बच्चों के साथ विचारों के सोपान क्रम में उससे पहले आने वाली प्रत्येक अवधारणा पर चर्चा करने की आवश्यकता होती है अवधारणाओं के सोपान क्रम का अवधारणाओं को सीखने के तरीके से भी गहरा संबंध होता है अगर हम किसी अवधारणा के ऐतिहासिक विकास को देखें तो ज्यादातर सोपान क्रम में नीचे आने वाली अवधारणाएं सोपान क्रम में ऊपर आने वाली अवधारणाओं से पहले आती हैं बच्चे भी अवधारणाओं को इसी प्रकार ग्रहण करते हैं कुछ और उदाहरणों में गणितीय विचारों की यह सोपानक्रमिकता देखी जा सकती है जैसे ज्यामिति में हम बिंदु रेखाखंड किरण रेखा कोण त्रिभुज आदि की बात करते हैं बिना रेखाखंड को समझे कोण की अवधारणा को समझना मुश्किल है यूक्लिडियन ज्यामिति में एक ऐसी आकृति का विचार किया गया जिसकी कोई लंबाई या चौड़ाई नहीं है और उसे बिंदु के रूप में समझा गया तथा मूर्त रूप में निरूपित किया गया इसी प्रकार से रेखाखंड किरण और रेखा को समझने तथा मूर्त रूप में निरूपित करने का प्रयास किया गया इन्हीं सब विचारों की समझ द्वारा कौन और कौन के पश्चात त्रिभुज जैसी अवधारणाओं का विकास हुआ इसीलिए किसी भी नए विचार को अच्छी तरह से समझने के लिए उससे पहले आने वाले गणितीय विचार को अच्छी तरह से समझना जरूरी है अतः यह कहा जा सकता है कि गणित सोपान क्रमिक तरीके से संरचनित ज्ञान क्षेत्र है साथियों आज हमने गणित की प्रकृति पर बातचीत की गणित की प्रकृति में सबसे पहले हमने गणित तार्किक होता है उस पर बातचीत की उसके पश्चात गणित में कथन असंदिग्ध होते हैं तथा गणित में कथनों को दो तर्कों आगमनिक तर्क एवं निगमनिक तर्क के जरिए समझा जाता है इसके पश्चात हमने बातचीत की गणित में अमूर्तता है साथ ही गणित एक भाषा के रूप में एवं भाषा के रूप में गणित को समझा और अंत में हमने यह समझा कि गणित की अवधारणाएं सोपान क्रमिक होती हैं आशा है आप जब भी गणित शिक्षण से संबंधित होंगे या कक्षा में गणित का सीखना सिखाना शुरू करेंगे तब गणित की इस प्रकृति को ध्यान में रखते हुए गणित शिक्षण का कार्य संपादित करेंगे धन्यवाद